हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम यह डिजाइनर ब्लाउज बनाने वाले हैं जिसे प्लेटेड ब्लाउज कहते हैं। इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं, तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, या तो आप डबल पीस ले लीजिए या फिर मीटर का कपड़ा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पीस लिया हुआ है। सबसे पहले अस्तर में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो कपड़े को हमें डबल में फोल्ड कर लेना है। बैक वाला साइड हमें अपनी तरफ रखना है। नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि जो भी हमारा आगे पीछे कपड़ा है वो बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद हमें अपनी लेंथ लेनी है, तो आपको जितनी भी लेंथ लेनी है उसमें आपको एक इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पर मुझे 13.5 इंच का तैयार चाहिए, तो 14.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। किसी भी एक साइड से अब हमें नेक ड्रॉ करना है, तो नेक की चौड़ाई हमारी रहेगी 2.5 इंच पर, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। शोल्डर रहेंगे 5.5 इंच पर, आर्मोल हमारे यहाँ पर 6 इंच पर रहेगा, और चेस्ट साइज हमारा 9 इंच पर रहेगा। 36 इंच चेस्ट साइज के हिसाब से हमारा ब्लाउज तैयार हो रहा है, तो उसका 4th पार्ट यहाँ पर हमने 9 इंच लिया है, प्लस 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर की चौड़ाई हमारी, कमर का 4th पार्ट रहेगी, यहाँ पर हम 7.5 इंच ले रहे हैं, 30 इंच के हिसाब से, प्लस 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन। आप अपने हिसाब से ब्लाउज का मेजरमेंट लगा सकते हैं। अब उसके बाद कमर के और चेस्ट के मार्क को सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। अब हमें आर्मोल की गोलाई देनी है, तो आर्मोल की गोलाई देने के लिए 1 इंच पर इस तरीके से कॉर्नर पर टेप रखेंगे और उसके बाद गोलाई दे देंगे। इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट निकालना है। आपको अपने फिटिंग के हिसाब से मार्क लगाना है, बस तरीका यही रहेगा कि आपको किस फॉर्मूले से इसे निकालना है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट ब्लाउज बनाना है, तो बेल्ट अलग करने के लिए हमें शोल्डर से 12 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है, और उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप चाहे तो इसे सीधा ही रख सकते हैं, लेकिन सामने से हल्का सा गोलाई शेप देने पर इसका लुक और भी प्रीटी आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेक के साइड से हमें यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इस तरीके से शेप दे देना है। इस तरीके से क्रॉस में जब हम पट्टी का शेप लगाते हैं तो इसका लुक और भी अच्छा आता है। फ्रेंड, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें पहले बॉडी पार्ट को अलग कर देना है, जो भी हमने मार्क किया है सेम मार्किंग पर हमें इसकी कटिंग करनी है। इस ब्लाउज की कटिंग बहुत ही इजी है फ्रेंड, बस आपको थोड़ा समझ के कट करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ऊपर की बॉडी तो कट हो चुकी है, अब जो नीचे का बेल्ट है उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है, क्योंकि जब हमारे पार्ट दोनों भी एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होना चाहिए। अब इसे भी हमें कट कर लेना है। यहाँ पर हमारे दोनों भी पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, जो ऊपर की बॉडी है इस पर नेक कट करना है। तो नेक कट करने के लिए हमें नेक की लेंथ लेनी है 8 इंच की, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डीप रखा है, और नेक की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच पर ही रहेगी। दोनों भी मार्क को एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेना है क्रॉस में, क्योंकि हम यहाँ पर वी शेप ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके बाद हल्का सा शेप लगा देना है। आप यहाँ पर 5 शेप भी बना सकते हैं। अब इस पर भी हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा नेक कट हो चुका है, आर्मोल का भी हमें शेप लगा लेना है 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन पर, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट रेडी कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाती है अस्तर पर। अब हमें मेन फैब्रिक कट करना है, तो देखिए यहाँ पर जो हमने मेन फैब्रिक लिया था इस पर हमें कितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। अब यहाँ पर हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें नीचे से 8 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बनाते हैं तो आपको 10 से 12 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे के साइड में छोड़ना है, और उसके बाद जो हमने बॉडी कट की थी वो बॉडी को इसके ऊपर से रखना है, यानी पूरा नीचे से हमें इसे जमाना नहीं है, नीचे से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। अब पैक वाले साइड को पैक वाले साइड के साइड में रख देंगे और ऊपर से पूरा सीधा कट कर लेंगे, यानी जितना भी कपड़ा हमारा चौड़ाई में है उतना पूरा कपड़ा हमें ले लेना है। इस ब्लाउज की कटिंग में हमें बस यही ध्यान रखना है कि नीचे से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। तो साइड से हमें कितना कपड़ा लेना है, यहाँ पर मेरे पास 12 इंच का कपड़ा बच रहा है तो मैं 12 इंच ले रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप 15 इंच तक ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमारा पैक वाला साइड है उसमें हमें सेंटर का मार्क कर लेना है मेन फैब्रिक में, और उसके बाद पूरे कपड़े को ओपन कर लेना है इस तरीके से।
अब हमें जो हमारा मेन फैब्रिक का सेंटर है और हमारे अस्तर के फैब्रिक के सेंटर को अच्छे से मिला देना है। ऊपर से हमें कपड़े को बराबर ही रखना है, नीचे से भर एक्स्ट्रा रखना है और उसके बाद अच्छे से इससे सेंटर में पिनअप करने के बाद नेक की फिनिशिंग देनी है। नेक की फिनिशिंग देने के लिए आप बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही पलट ले रही हूँ क्योंकि हमारा फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है तो अच्छे से पलट जाएगा। अगर आप पतले फैब्रिक में इसे बना रहे हैं तो आपको नेक पर बकरम का यूज़ करना है। यहाँ पर एक पाव की मार्जिन पर हम सिलाई लगाएंगे नेक पर और उसके बाद अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। पूरे नेक में हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। उसके बाद इस पर टॉप स्टिच लगा देनी है यानी जमाव सिलाई लगा लेनी है। जमाव सिलाई लगाने से हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग से पलट जाता है। उसके बाद इसे अंदर की तरफ इस तरीके से पलट लेना है। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा की सिलाई भी लगाकर इसे जमा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा की सिलाई लगा रही हूँ नेक पर। इस तरीके से हमारे नेक की पूरी फिनिशिंग हो जाती है। अब हमें इस पर कहीं पर भी स्टिच नहीं लगानी है, सबसे पहले हमें इस पर प्लेट्स लेनी है। तो प्लेट्स लेने के लिए हमें क्या करना है, सेंटर से अच्छे से कपड़े को जमा लेना है और यहाँ पर सेंटर में एक पिन लगा लेनी है। अब देखिए जो हमारा शोल्डर का साइड है वहां से हमें 3 से 4 इंच पर पहली प्लेट लेनी होती है। तो पहले इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम 3.5 से 4 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमें पहली प्लेट लेनी है तो ये हमारा जो सेंटर का पॉइंट है वहां से हमें इस तरीके से क्रॉस में प्लेट लेनी है। ठीक है, इस तरीके से कपड़े को लेना है और प्लेट लगा लेनी है। उसके बाद इसे पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्लेट लगाने के समय हमारा सेंटर बराबर आना चाहिए। उसके बाद हमें पूरी प्लेट इसी तरीके से लगानी है। 2 से 3 इंच दूरी पर हमें कपड़े को लेना है और इस तरीके से प्लेट बनाते जाना है और पूरी प्लेट को हमें पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हमारी प्लेट इधर उधर ना हो। जितना भी कपड़ा है उस हिसाब से हमें प्लेट लेनी है। आप 4 से 5 प्लेट ले सकते हैं इस डिजाइन में। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा प्लेट का डिस्टेंस जो है वो पूरा एक जैसा होना चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 प्लेट ले ली है फ्रेंड्स। अपने कपड़े के हिसाब से आप भी 4 से 5 प्लेट ले सकते हैं। अब पूरी प्लेट्स को पिन लगाने के बाद हमें करना क्या है, जो हमने प्लेट्स ली है तो मेन फैब्रिक में हमें इसे सिलाई से अटैच कर देना है। ठीक है, अभी हमें अस्तर का फैब्रिक इस पर नहीं लेना है स्टिच पर। सेम इस तरीके से आर्मोल के साइड में भी हमें सिर्फ प्लेट्स पर ही स्टिच लगानी है, मेन जो अस्तर का फैब्रिक है उस पर हमें स्टिच नहीं लगानी है। तो यहाँ पर प्लेट्स को अच्छे से सेट करते जाना है और सिर्फ प्लेट्स पर ही स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स पर स्टिच लग चुकी है, पिन को हम निकाल लेंगे हम। उसके बाद हमें दूसरे साइड की भी प्लेट्स सेम इसी तरीके से जमानी है। बस सेंटर को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको प्लेट्स को जमाना है और इसी तरीके से क्रॉस में ही प्लेट्स को जमाना है। ठीक है, जैसे हमने उस साइड में किया था सेम उसी तरीके से हमें इस साइड में भी पूरी प्लेट्स को अच्छे से जमा कर पिनअप कर लेना है। इस डिजाइन को बनाने में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमारी दोनों साइड के प्लेट्स एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारी इस साइड की भी पूरी प्लेट्स तैयार हो चुकी है। इस पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है मेन फैब्रिक पे। अभी अस्तर के फैब्रिक को हमें स्टिच पर नहीं लेना है। सेम इसी तरीके से नीचे साइड में भी प्लेट्स को स्टिच लगा लेंगे। अब हमें पूरी पिन्स को रिमूव कर देना है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करना है। अभी तक के हमने इस पर स्टिच नहीं ली थी। अब हमें करना क्या है, पूरा जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसे हमें प्लेट्स वाला जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ में पूरा जमा कर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, चारों तरफ से, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी ऊपर की बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। जो हमने प्लेट्स बनाई है इस पर हमें थोड़ा सा आयरन कर लेना है जिससे कि हमारी प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स पूरी अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हमें इसका बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट तैयार करने के लिए इस तरीके से अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में रखना है और नीचे और ऊपर दोनों साइड से हमें एक पाव की मार्जिन पर स्टिच लगा लेनी है। जो दोनों साइड वाला कपड़ा है उसे हमें खुला ही छोड़ देना है, सिर्फ ऊपर और नीचे से स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। गोलाई के साइड में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं।
और जो हमने साइड में खुला वाला भाग छोड़ा था उस पर हमें नुकीली चीज की मदद से इसे पलट लेना है। इसे भी अच्छे से सेट कर लेंगे, पॉइंट को हमें अच्छे से निकालना है और उसके बाद इस पर भी प्रेस लगा लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा और अस्तर अच्छे से सेट हो जाए एक दूसरे के साथ में। अब हमें इस पर किनारे से लेस अटैच करनी है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से लेस को किनारे से सेट करते जाना है और बिल्कुल किनारे से ही सिलाई लगानी है जिससे कि हमारे लेस का सिर्फ कॉर्नर दिखना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा बेल्ट भी रेडी हो चुका है, इसे हम अब मेन फैब्रिक के साथ में यानी जो हमारी बॉडी का पार्ट है उसके साथ में अटैच कर देना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इसे सेंटर से अच्छे से सेट कर लेना है और पिन अप कर लेना है। सेंटर में अच्छे से सेट करके पिन लगा लेंगे और उसके बाद किनारे से हमें इसे एक उसके ऊपर रखना है, जो हमारे बॉडी का पार्ट है उसके ऊपर पर रखना है और बिल्कुल किनारे से स्टिच लगानी है जैसे अभी हमने लेस पर लगाई थी वैसे। इस तरीके से सेट करते हुए आपको स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट भी मेन फैब्रिक यानी मेन बॉडी के साथ में अटैच हो जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पूरा ब्लाउज डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।